अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। व्यूअर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, ये मेरी असील की मुर्गी भाग गई है घर से और ये बराबर वालों की छत पे है और यहाँ पर इनकी छत में कोई जीना नहीं है और कोई आता जाता नहीं है। मैंने जाके यहाँ पर अपना असील का मुर्गा केज में बंद रख दिया है ताकि ना ये मुर्गी कहीं जाए ना। अभी ये मुर्गी ने ये किया था, ये स्टीनों के ऊपर से ये होती भी, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। एक तो मगरिब हो गई है व्यूअर, हाँ इसने ना ये टीनों के ऊपर से होती थी, ये जो हमारी पीछे की घर है उसकी छत पे चली गई। इस टाइम थोड़ा बेलर इसलिए हो रहा है क्योंकि तो मगरिब हो चुकी है और मैं अब वेट कर रही हूँ ताकि अंधेरा हो जाए और मैं फिर जाके इस मुर्गी को इस छत पे पकड़ लूँ। इसने बहुत तंग किया हुआ व्यूअर, ये इससे पहले भी भाग गई थी घर से। ये आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए कोने पे बैठी हुई है। इसको मैंने अभी पालक ऊपर से फेंकी है ताकि इसी के चक्कर में ये यहाँ पर बैठी रहे। और ये आप देख रहे हैं मेरा असील का मुर्गा केज में बंद है, मैंने इसी छत पे जाके रख दिया। अब देखें आप, अल्लाह करे कि ये मुर्गी यहाँ से भागे ना। अगर ये भाग गई तो फिर मिलेगी नहीं क्योंकि आस पास जितनी भी हैं पीछे गलियाँ हैं और वहाँ पर लोग किसी के घर पर चल जाएगी तो मैं नहीं ले सकती, तो लोग वापस भी नहीं करते। साफ बात है, बोलते हैं हमारे पास तो आई नहीं। थोड़ा ये पिलर हो रहा है, ये देखिए हो रही है बड़े आराम से। ये मैं पालक उठा के लाई हूँ, मैंने ऊपर से डाला इसको यहाँ, इधर भी थोड़ा फेंका था ताकि इधर से रास्ता बनाते 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 इसको मैंने मार दिया। व्यूअर अल्लाह करे कि ये यहीं पर इसी के पिंजरे के ऊपर आसपास सो जाए ताकि मैं इसको भी पकड़ लूँगी आराम से, क्योंकि रात में इन लोगों को नज़र नहीं आता तो पकड़ने में आसानी हो जाएगी। जी व्यूअर देखें, ये स्टीनों के ऊपर से होती हुई फिर ये घर में गई थी, फिर मैंने यहाँ से पालक डाली, ये यहाँ से होती हुई। हमारे ऊपर सिस्टम जहाज़ गुजर रहा है व्यूअर, इसलिए अभी मैं नहीं बोल रही। और ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें काली काली ये यहाँ पर घूम रही है इस सामान की तरफ। ये इस केज से भाग गई है, मैंने खोला था केज शाम का दाना पानी के लिए और ये फिर इस केज से निकली है। ये यहाँ पर फिर इस पुनर पे होके, ये छत से होके, ये इस टैंकी के ऊपर से उधर भाग गई। वैसे भी पर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो असील की मुर्गियाँ होती हैं ना, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। जबकि एज़ कम्पेयर टू मेरी जो जितनी भी फैंसी हैंस मैंने आज तक पाली, मैंने गोल्डन बफ पाली, सिल्वर स्प्राइट पाली, पॉलिश पाली, कभी भी वो अपने केज से हट के जाती ही नहीं थी, छत पे खुली रहती थी। और कोई भी मतलब ये मेरा शौक़ बचपन का है अपने, और मैं बचपन से ही मुर्गियाँ वगैरह रखती हूँ तो कोई भागती ही नहीं थी। और ये एक है असील, असील का एक्सपीरियंस मेरा, ये मुझे बहुत भगा रही है अपने पीछे। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इस टाइम मगरिब हो गई और मैं ऊपर वेट कर रही हूँ पूरा अंधेरा होने का, तो फिर मैं पकड़ूंगी। तो फिर अगले दिन जो इस वीडियो पे बताऊंगी कि ये भाग गई या ये पकड़ी गई। चलें व्यूअर, फिर मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ कीजिएगा मिल जाए।